किसको दे रहे हो? वोट अपना छुपा के होता है ना कि बता के होता। मैं खुल के बता रहा हूँ, मैं दूंगा गाइज गुड मॉर्निंग, दिस इज मुकेश एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो मॉर्निंग के ऑलमोस्ट बज चुके हैं 9 और आज है संडे और आज है 13 तारीख। कल था मेरा बर्थडे और रात को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, तो मतलब लेट ही हो गया था। उसके बाद हम लेट में ही सोए थे, तो उठने को तो क्या टाइम से उठ गए थे और बाकी सभी लोग अभी मतलब सभी लोग उठ गए हैं, टाइम से सभी लोग उठ गए हैं। बाकी बाहर कर रहे हैं मम्मी, ममता, दीपिका लोग काम, और पापा तो नहा लिए हैं पापा ने, मैंने भी नहा लिया है और नहा के मैं भी बस आया ही था रूम में और चेंज वगैरह मतलब थोड़ा रेडी वगैरह हुआ और अब चलते हैं सीधे बाहर को और देखते हैं बाहर का नज़ारा क्या है। आज तो मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, मतलब कल भी ठीक ही था, तो बाहर हल्की फुल्की आ चुकी है धूप और पापा कर रहे हैं पूजा, तो मैं भी जाता हूँ पूजा करने के लिए। और यहाँ पे चल रही है बहस, पता नहीं किस बारे में, किसको दे रहे हो, किसको दे रहे हो? वोट अपना छुपा के होता है ना कि बता के होता। मैं खुल के बता रहा हूँ, मैं दूंगा उसको को। मैं खुल के बता रहा हूँ। क्यों होती हैं गुप्त बातें यार, ये बतानी चाहिए, खुल के बताना चाहिए। तुम किसका समर्थन करते हो? क्या तुम सबको विश्वास कर लोगे क्या? तुम्हारे मुंह के आगे कुछ और बोलो। मैं सिर्फ एक ही शख्स पे विश्वास करता हूँ। तो गाइस ये देखो, यहाँ घर में चल रही है, ये तेरे पर विश्वास नहीं कर सकते। वहाँ जाके यहाँ से एक ही बन के जाओगे, वहाँ अलग अलग बैठ जाना है। गाइज अभी घर में चल रही है इलेक्शन को लेके कंट्रोवर्सी, तो सभी लोग अपना अपना मत दे रहे हैं कि हम किसको दें किसको दें, सब अलग अलग वाले हैं यहाँ पे। इसके लिए हमारे घर में सिर्फ एक ही जगह वोट जाता है, वो मैं बता नहीं सकता किसको जाता है, और हम उसी को देंगे। और अगर ये नहीं देगी ना तो तलाक हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हो चुका है सारा काम और धूप भी आ रही है बड़ी प्यारी थी, और तो मैंने नहा लिया है। और क्या सामान लेने जाना है? जो भी लेके आओ, शिमला मिर्च लाओ, जल्दी लाओ। तो अब ब्रेकफास्ट की कर रहे हैं हम लोग तैयारी, तो मैं जा रहा हूँ अभी गोभी लेने के लिए, शिमला मिर्च लेने के लिए। तो भाई सब्जी लेके आ गया हूँ और उसमें भी इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। क्या इतनी मिल रही थी ना, मतलब मैं इसीलिए नहीं जाता हूँ मैं कहीं दुकान में कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि आने के बाद मतलब बेमतलब की बातें बोलना शुरू कर देती। मतलब ये छोटे बड़े से क्या मतलब, ये भी कट के उतनी होनी है ना, फिर पूरा तो खाओगी नहीं ना तुम। पूरा खाने के लिए थोड़ी ना कह रही हूं मैं। अभी फिलहाल देखो ये चाउमीन बनने वाली है और मस्त बनाती है हमारी बीवी, बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बनाती है। लेकिन लास्ट टाइम जो उन्होंने बनाया था ना, मतलब बेहुदा बनाया था। ये क्या है? ये तुम्हें क्या दिया है? खिलौने दिए हैं क्या मम्मी? देखो फिर स्टार्ट हो गई है। ये देखो, मैं कुछ लेने के लिए भी जाऊंगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। अब क्या करें, आज तो सब ऐसे ही थे तो मैं क्या करूं। नहीं ये थोड़ी मैं कह रही हूं। देखो यार ऐसे निकले, ऐसे शिमला मिर्च होंगे तो ऐसे ही लाऊंगा ना, अपना कुछ अलग थोड़ा लेके आऊंगा, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। फिलहाल अब बना रही है मेरी बीवी चाउमीन। मदद करो मेरी, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। मेरे को दाल भी चढ़ानी है और पहले मैं जाता हूँ मंदिर में पूजा करके आता हूँ। सो गाइस अब मैं जाता हूँ पूजा करने के लिए, पूजा कर लेते हैं पहले भगवान की, क्योंकि अगर हम इस 24 घंटे में अगर हम 5 मिनट भगवान को नहीं दे सकते, 5-10 मिनट अगर भगवान को नहीं दे सकते, तो बेकार है ऐसे अस्तित्व का, बेकार है ऐसे जीवन का कि हम 5 मिनट अपने भगवान को नहीं दे सकते। तो यार मैं एक्चुअली तो पहले से मतलब डेली में जाता था मंदिर में, बीच में थोड़ा बहुत छूट गया था, तो अब मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ और डेली जाता हूँ भगवान के पास और पूजा वगैरह करेंगे और
यार, पर डे 5-10 मिनट देने में क्या बुरा है यार। भगवान को तो फिलहाल चलते हैं मंदिर में और पूजा वगैरह करते हैं, तो पापा तो अभी भी देखो पापा मतलब 1 घंटा तो देते ही देते हैं मुझे, तो उस टाइम से लगे हैं और अभी भी 1 घंटा हो गया पापा पूजा करते हुए, तो फिलहाल अब हम भी कर लेते हैं पूजा। पूजा वगैरह हो गई है और अब करते हैं थोड़ी हेल्प अपनी बीवी की, तो बताओ क्या हेल्प करनी है। प्याज काट। ओके, प्याज काट लेंगे और फिर बनाएगी अपने घर यार हाथों से जबरदस्त वाली चाउमीन। तो आज मेरी इतनी तारीफ क्यों करी? वाह, तारीफ करना भी गुनाह है। तारीफ करना भी गुनाह है, नहीं करता हूँ मैं तुम्हारी तारीफ, मतलब तारीफ ज्यादा कर रही तो प्रॉब्लम, नहीं करी तो प्रॉब्लम, ये होता है भाई लेडीज का। अगर थोड़ी ज्यादा कर दो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे ना एक सूट पसंद आया, तो ले लो, मैंने कब मना किया। देखो एक तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है और मना भी नहीं कर सकते, वैसे भी ये कमी मांगती नहीं है, कम तो बहुत क्या मांगती नहीं है, कभी इसको फ्री देना पड़ता है। ले लो ले लो ले लो ले लो, पूरा सेट बहुत कम फैलती हूँ। हाँ मैं लिटरली इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये है ही ऐसी, ये लेती नहीं है जल्दी, मतलब ये मार्केट भी जाएगी ना तो ये तो पता है, ये तो खैर सारी लड़कियों का होता है कि वो दुकानों में जाते हैं और सारा कपड़े निकलवा देते हैं, उसका लास्ट टाइम मना कर देते हैं कि हमें पसंद नहीं आया, तो वो रेट भी इनके जो ये बोलेंगे ना वो रेट भी बोल देंगे कि हाँ ठीक है ले जाओ करके, उसके बाद ही बोलेंगे नहीं ये वाला नहीं, ये वाला पसंद आया था और इसमें ये कलर ही नहीं आपके पास, तो मना कर देते हैं, तो ऐसी इसका भी है ये भी मना कर देती है, तो अब बड़ी मुश्किल से इसको एक चीज़ पसंद आई है तो कैसे मना कर सकते हैं। ले लो यार तुम्हारा ये जो तुम क्या बोलते इतनी अच्छी चाउमीन बना के खिला रही हो, तो मैं एक सूट नहीं खिला सकता मैं, पता नहीं है चाउमीन कैसी बन रही। अगर आज तुमने खराब चाउमीन बनाई ना तो देख लेना यार, लास्ट टाइम इतनी मतलब गंदी तो नहीं बोल सकते लेकिन इतनी ड्राई चाउमीन थी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो कले से नीचे नहीं उतर रही थी। मम्मी को तो अच्छी, अब चाउमीन भी कले से उतरने के लिए दूध तो उसके साथ हुए, लेकिन सही बताऊं ना ये चाउमीन बहुत अच्छा बनाती है ये, पता नहीं लेकिन लास्ट टाइम क्या बनाया और उसके बाद बहाना क्या बनाती है कि क्या बोलते हैं ये सोया सॉस की डेट एक्सपायर हो गई थी तो क्या बोलते हैं इसकी वजह से खराब हो गया होगा ये, तो यार ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। लास्ट अभी देखो क्या बोलते हैं उससे पहले बनाया था तो बढ़िया बनाया था, अभी कैसे खराब हो सकता है, तो फिलहाल अब मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ। गाइस मस्त बन चुकी है चाउमीन और मॉर्निंग में कर रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट बाहर बैठ के धूप का मजा लेते हुए। ये मेरा दूसरा है, ये देखो टकलू मेरा दूसरा है, हाय खले हाथ ला दे हाथ ला दे आता माजी से टकली। तो मस्त बनी हुई है आज चाउमीन, सारा हाँ मस्त हो रही है, पिछली बार भी सेम प्रोसेस था और सभी चीज़ हुई थी लेकिन बनाने में पता नहीं शायद मन नहीं लगा। नहीं आज बहुत आज आज ही हो रहा है ना, गाइस ममता चली गई है अपनी शॉप में और मम्मी लोग बाहर धूप सेक रहे हैं, धूप आ रही है बढ़िया वाली, तो अब फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ ब्लॉग को एडिट करने के लिए क्योंकि शाम को सोच रहा हूँ कि शाम को ब्लॉग को अपलोड करना है। सो गाइस ममता पहुँच गई है अपनी शॉप से और ये रहा रॉनी, या और मम्मी बना रही है हमारी क्या बना रहे हो बताओ जरा, मस्त पहाड़ी पहाड़ी पिनालू या गटरी, मस्त पिनालू की सब्जी बन रही है आज जबरदस्त वाली मट्ठे वाली मम्मी के हाथ में, मम्मी स्पेशल। सो गाइस डिनर हो चुका है और अभी ममता आई नहीं है रूम में, रॉनी तो सो गया है, पहले ही सो गया था रॉनी, और ये जल्दी सो जाता है ना तो जल्दी उठ जाता है,
फिलहाल अभी सोया हुआ है और कल है इलेक्शन, तो कल जाएंगे हम लोग, टाइम से उठेंगे और सोच रहे हैं जल्दी जाके वोट डाल के आए, तो आप भी जाइए फटाफट और कल डालिए वोट। तो बाकी करता हूँ गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।